गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सिस बैंक ABYB प्रोग्राम के बारे में, जिसका आज जो है ऑनलाइन इंटरव्यू था 3 जून 2019 को। तो उसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए, इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दो, बेल आइकन दबा दो, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपको बताता हूँ वन बाय वन। तो सबसे पहले मैं थैंक यू देना चाहूँगा यशवंत ओझा जी का, जिन्होंने हमें मेल करके भेजा है। ठीक है, चलिए देखते हैं इन्होंने कौन कौन से क्वेश्चन भेजा है। थोड़े ही क्वेश्चन भेजा है, क्योंकि पूरे क्वेश्चन जो है सभी को याद नहीं रहते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। इनका जो इंटरव्यू है वो 1 घंटे बाद चालू हुआ नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण। ओके, चलिए देखते हैं। पर्सनल क्वेश्चन पूछे गए, जो कि आपसे व्हाट इज़ योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, हाउ टू ओवरकम फ्रॉम इट। ये क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर भी पूछा गया था। इस क्वेश्चन का आंसर आपको बोल के देना है। ठीक है, क्योंकि आपका स्ट्रेंथ उसको थोड़ी पता होगा, आपका वीकनेस उसको थोड़ी पता होगा। ओके, तो आपको बोल के देना पड़ेगा। लिसनिंग क्वेश्चन में पूरे बैंकिंग के क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि व्हाट इज़ कमर्शियल बैंक, टाइप ऑफ अकाउंट इन बैंक। ठीक है, ये जो क्वेश्चन थे आपको हेडफोन में सुनाया जाएगा, उसका आंसर आपको बोल के देना पड़ेगा। ओके, रीडिंग क्वेश्चन ऑल्सो देयर। रीडिंग क्वेश्चन मतलब आपको कुछ लाइन दी होगी, उसको बस बोलना है, बस रीड करना है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। डिसीजन मेकिंग क्वेश्चन विथ डिसलाइक एंड लाइक, ये जो आपका सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं उसमें डिसलाइक और लाइक रहता है। ओके, चलिए देखते हैं। अब सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन कैसे है, मैं आपको, इन्होंने मुझे मेल करके भेजा है, मैं आपको इसको हिंदी में समझाता हूँ। देखिए, कार मैन्युफैक्चर एक कंपनी रहती है, वो अपना मैन्युफैक्चरिंग जो है चालू करती है। ठीक है, लेकिन लेबर जो है काम करना बंद कर देते हैं, जिसके वजह से कार जो मैन्युफैक्चर हो रही है वो रुक जाती है, और बायर जो है, कार खरीदने वाले जो है, वो कार खरीदना चाहते हैं। और कंपनी में ऐसा रूल भी नहीं है कि आप जो बायर है उससे एडवांस ले सकते हो मनी, तो एग्जीक्यूटिव के रूप में आप क्या करोगे इस सिचुएशन में। ओके, तो 4 ऑप्शन है आपके पास। सबसे पहला ऑप्शन, एज अ डीलर यू अलाउ टेक एडवांस, यू टेक एडवांस। ओके, दूसरा ऑप्शन है यू विल से टू हिम टू ऑर्डर अदर कार। थर्ड ऑप्शन है आपका यू सेड हिम दैट वेन एवर कार मैन्युफैक्चर यू टोल्ड हिम। फोर्थ ऑप्शन है आपका यू टोल्ड हिम यू विल बाय अ कार वेन इट मैन्युफैक्चर। ओके, तो इस तरीके से जो 4 ऑप्शन थे, तो आपको इसमें से सबसे बेस्ट ऑप्शन चुनना था। ओके, अब इसमें से सबसे बेस्ट ऑप्शन आपको कौन सा लगता है? मुझे जो लगता है थर्ड ऑप्शन लगता है। क्यों? देखिए, पहला ऑप्शन तो आपको पता होगा कि एडवांस नहीं ले सकते, ऐसा कोई रूल नहीं है, तो ये तो गलत हो गया पहला ऑप्शन। ओके, दूसरा ऑप्शन है कि आप उसको बोलोगे कि नई कार ऑर्डर कर दे, जब पुरानी कार ही नहीं बन रही है तो नई कार कहाँ से बनेगी, ये भी गलत है। चौथा ऑप्शन कैसा है कि आप उसको बोलोगे कि जब कार बन जाएगी तब ले लेना, ऐसा कोई बोलता है क्या? एग्जीक्यूटिव के रूप में आप उसको बोलोगे कि सर, जब आपका कार जो है बन जाएगी मैं आपको खुद बोलूँगा, ठीक है, मैं आपको बता दूंगा कि आपकी कार बन गई है तो आप ले सकते हो। तो ऐसे जब आप बोलोगे तो वो जो कस्टमर रहेगा उसको पता रहेगा कि मेरी कार बन रही है, इसलिए वो इधर उधर से कार नहीं लेगा, ठीक है, आपके फ़ोन का वेट करेगा। तो ये जो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, तो आपको इसमें से लाइक और डिसलाइक, मतलब जो इंस्ट्रक्शन में बोलेगा उस हिसाब से आपको फॉलो करना है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आऊँगा, ये सब क्वेश्चन दिमाग का खेल होता है, एकदम ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दूसरा हमारे फ्रेंड है प्रमोदनी महंता, इन्होंने भी हमें मेल करके भेजा है, उनको भी मैं थैंक यू देता हूँ। इन्होंने सबसे पहले मुझे मेल किया था, इनका पहला शिफ्ट 8:30 का था। ठीक है, सभी क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिपीट नहीं हुए थे, कुछ क्वेश्चन जो है रिपीट हुए थे। इनका पहला राउंड जो है ऑडियो वाला था। टेल अ सिचुएशन हाउ यू हेल्प समवन। देखिए, मैंने कल की वीडियो में बताया था कि आपने किसी पर्सन की किस तरीके से हेल्प की थी। ठीक है, तो ये आप बता सकते हो वहाँ पे। दूसरा क्वेश्चन है गिव यूर रियल लाइफ एग्जाम्पल व्हेन यू वर्क अंडर प्रेशर एंड हाउ वेल डिड यू मैनेज इट। ये भी क्वेश्चन मैंने आपको प्रीवियस ईयर के वो वीडियो में कराया था। ठीक है, तो इसको भी आपको बोल के आंसर देना था। तीसरा क्वेश्चन है इफ़ यू हैव एन इवनिंग आफ्टर मेनी डेज देन हाउ कैन यू स्पेंड यूर इवनिंग। ठीक है, काफ़ी कुछ दिनों के बाद आपके पास एक इवनिंग मिली, आपको एक शाम मिली, मतलब टाइम स्पेंड करने के लिए, तो आप किस तरीके से स्पेंड करोगे। ओके, फोर्थ है आपका व्हाट इज़ योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, हाउ टू ओवरकम योर वीकनेस। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ऑडियो वाला क्वेश्चन था ये।
ओके चलिए आगे देखते हैं। बैंकिंग टर्म में सब ऑडियो, व्हाट इज कमर्शियल बैंक, हाउ मेनी टाइप ऑफ बैंक अकाउंट आर देयर, हाउ मेनी वेज बैंक अकाउंट कैन ऑपरेट। सम लिसनिंग क्वेश्चन अवेयर आस्क दैट वर वेरी इजी बट हार्ड टू रिमेंबर बिकॉज ऑफ नॉइस। ठीक है, वहाँ पे नॉइस होगा तो इसी वजह से आपको जो है अच्छे से अपना हेडफोन लगाना है वॉल्यूम ज़्यादा करके। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आएगा। चलिए आगे देखते हैं। हमारे एक और फ्रेंड है श्वेता मिश्रा, इन्होंने भी हमें मेल करके भेजा है तो इनको मैं थैंक यू देना चाहूँगा। ओके चलिए देखते हैं। द पैटर्न वॉज सेम एज यू सेड, क्वेश्चन वे आर ऑल्सो क्वाइट ईजी, दे आस्क मी माई स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एंड हाउ आई ओवरकम माई वीकनेस। ठीक है, ये ऑडियो वाला क्वेश्चन है। वॉट इज कमर्शियल बैंक, टाइप ऑफ अकाउंट्स, वाट आई विल डू वेन लैन फ्री। ठीक है, LAN लैन, आपने देखा होगा लैन जो है इंटरनेट रहता है ब्रॉडबैंड, वो अगर फ्री है तो आप क्या करोगे। ठीक है, वाईफाई अगर फ्री है तो आप क्या करोगे, ये क्वेश्चन एकदम सिंपल क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन जो है, व्हेन वाज लास्ट आई हेल्प समवन, आप बताइए कि आपने आखिरी बार किसे हेल्प किया था। ठीक है, जस्ट स्टे काम एंड बिलीव इन योर सेल्फ, एवरी वन विल श्योरली क्रैक इट। ठीक है, एकदम ईजी आता है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। चलिए आगे देखते हैं। हमारे एक और फ्रेंड है अमृता सावलकर, इन्होंने भी हमें मेल करके भेजा है तो इनको थैंक यू देना चाहूँगा मैं। ठीक है, इनका सेंटर जो है पुणे में था। इनसे क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट आर योर वीकनेस, हाउ यू ओवरकम इट। सभी जगह यही क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज कमर्शियल बैंकिंग, टाइप ऑफ बैंक अकाउंट, डिस्क्राइब व्हेन आई हेल्प समवन, वही बताना है कि आपने किसी को कैसे हेल्प किया था। डिस्कस ऑन टेक्नोलॉजी ऑन एनी पार्ट, डिसएडवांटेज और एडवांटेज। ठीक है, टेक्नोलॉजी पे बात करो, कोई भी पार्ट, चाहे 4G 3G जो भी आपको दिमाग में आता है, उसके एडवांटेज और इसके डिसएडवांटेज। ओके कुछ भी बात कर सकते हो टेक्नोलॉजी के बारे में जो भी अभी चल रहा है। ओके देयर मे बी मोर क्वेश्चन अपार्ट फ्रॉम दीज आर सम आई शेयर। ओके तो इन्होंने इतना ही क्वेश्चन शेयर किया है, लेकिन पैटर्न जो है बिल्कुल सेम था, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप आसानी से कर लोगे। ओके बैंकिंग अवेयरनेस के जो क्वेश्चन है वो 4 से 5 रहते हैं या 2 से 3 रहते हैं, बाकी आपके पूरे जो क्वेश्चन पर्सनल बेस्ड और सिचुएशन बेस्ड रहते हैं। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। आने वाले शिफ्ट में जिनका भी एग्ज़ाम होगा वो ये वीडियो देख लेना, और कल कल अगर किसी का भी ऑनलाइन इंटरव्यू होगा तो प्लीज़ मुझसे शेयर करिएगा। ठीक है, मेरा ईमेल आईडी है youngeresh73@gmail.com। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और कुछ कमेंट होगा तो कर देना फ्रेंड। तब तक के लिए अपने ध्यान रखना, गुड बाय।